होलिका दहन आयुर्वेद की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में अगर आप भी संक्रामक रोग से पीड़ित हैं तो ज्योतिषाचार्य द्वारा बताए इन खास उपायों को अपनाकर अपनी बीमारियों से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। खरगोन के ज्योतिषाचार्य पंडित पंकज मेहता ने हमें बताया है कि इस मौसम में संक्रामक बीमारियाँ ज़्यादा फैलती है। होलिका दहन में गाय के उपले, कपूर, नारियल, लकड़ियाँ जैसे अन्य द्रव्य पदार्थ डालकर इसीलिए जलाया जाता है ताकि जलती हुई अग्नि के धुएं से क्षेत्र के वातावरण में शुद्धता लाई जा सके। घर में कोई संक्रामक रोग से पीड़ित हैं, लगातार बीमारी बने रहती है, तो ऐसे व्यक्ति होलिका दहन के दिन इन उपायों का पालन करेंगे तो निश्चित ही रोगों से मुक्ति पा सकेंगे। किसी के घर में रोग हैं, लगातार रोग बीमारी बनी रहती है, ऐसे लोग भी जैसे घर में एक डंठल वाले पान में लौंग, काली मिर्च और उसका एक मंत्र है, उस मंत्र के द्वारा उसको अभिमंत्रित करके और जलती हुई जो होलिका है उस होलिका में के तीन परिक्रमा करके वो डाल दे तो उसके घर में रोग की शांति होती है। ऐसे कई उपाय जिसमें हमारे गोमती चक्र हैं, गोमती चक्रों का भी प्रयोग है, उसका भी उसमें विधान है, और फिर उसमें बाद में उसकी जो राख है जली हुई राख उसको भी घर में ले जा करके हम रखते हैं तो उससे भी रोग निवारण होता है। तो इसके पीछे वही आयुर्वेद का ही कारण है क्योंकि वो सब औषधियाँ हैं और औषधियाँ जल के भस्म हो जाती और हमारे आयुर्वेद में भस्म खाने का, भस्म को लेपन करने का विधान है, तो उस दृष्टि से भी वो महत्वपूर्ण। दूसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि नकारात्मक ऊर्जा घर में है, वास्तु दोष के कारण नकारात्मक ऊर्जा यदि घर में या हमारे सोच में नकारात्मकता आ गई उससे भी हमको फायदा मिलता है। यदि ये जो इसमें हमारे ऐसा बना मानते थे कि जब पूरा जब होली हो जाती थी तब ये राख लगाते थे अपने शरीर पर और नहाते थे, पानी से नहाते, तो एक तरीके से ये पूरी भस्म अपने शरीर पर लगा के नहाने वाला जो विधान है, जैसे यज्ञ की भस्म हम लगाते हैं, तो एक तरीके का ये सार्वजनिक यज्ञ है और ऐसा यज्ञ जिसमें समरसता है। लोकल लाइटिंग के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।